नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। जेडीयू के नेता ने एक बार फिर राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। राजद और कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को सिर्फ ठगने का काम किया है और इन पार्टियों ने अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, यह कहना है जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पटना महानगर उपाध्यक्ष परवेज अनवर का। पटना सिटी के खाजकला स्थित एक सामुदायिक भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए परवेज अनवर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्पसंख्यकों का सच्चा हितैषी करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के विकास को लेकर राज्य में कई योजनाएं शुरू की है, जिस पर लगातार काम चल रहा है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक बच्चों और युवाओं के विकास को लेकर काफी काम किया है, यही कारण है कि यह समाज आज पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन सका है। वहीं जदयू बुनकर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जावेद का कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के विकास को लेकर जितना काम किया है, बिहार में अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने वह काम नहीं किया है। दोनों नेताओं ने अल्पसंख्यक समाज से आगामी विधानसभा चुनाव में विकास को लेकर जदयू को वोट देने की अपील की है। आज ये जो सम्मेलन है संबोधित हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट क्यों दे। वोट इसलिए दे कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ किया है, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। जितने भी आज तक के हमारे 90 के बाद सीएम बने हैं, और उनका रहा है रवैया यह कि वो मुसलमानों पे अल्पसंख्यकों पे ध्यान नहीं दिए, लेकिन ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिन्होंने अल्पसंख्यकों पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया है और हर योजनाओं में हम लोग को भी इन्वॉल्व किया है। जैसे कि देखा जाए जीविका दीदी को 15 जीविका दीदी को मुंबई आईआईटी में ट्रेनिंग कराया गया उनको। आज वो ट्रेनिंग हो गई, फैक्ट्री बन गया डोभी के गया में, वहाँ पे अब एलईडी बॉल का जो है फैक्ट्री लगवाया है, तो इससे बहुत सारी महिलाओं को भी फायदा होगा, अल्पसंख्यकों को भी फायदा होगा, बुनकर प्रकोष्ठ के लोगों को भी बहुत फायदा होगा इससे। जैसे वो पहले खादी ग्राम उद्योग बंद हो गया था, अब खादी ग्राम उद्योग खुल चुका है। मैं यही चाहूँगा कि जितने भी बिहार के जितने भी लोग हैं, जनता है, वो खुली आँखों से देखें और देख करके ये बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है या नहीं। काम के बिना पे उनको वोट देना चाहिए। आप अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुआ, मैं पटना जिलाध्यक्ष बुनकर प्रकोष्ठ का जिला। मैं मोहम्मद परवेज अनवर, पटना महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष। ये संवाददाता सम्मेलन आज आयोजन किया गया। इसका आयोजन का इसका उद्देश्य ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान खासकर वो जदयू को वोट क्यों दें। तो हमारा कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस हो या आरजेडी हो, इन्होंने जो है वो मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल तो किया, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई बड़े काम नहीं किए। हमारे मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब जो है वो आपके अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए, सैनिक कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसके अंदर प्रमुख आपको देखा जाए तो उन्होंने जो है अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की है, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए भी बाकायदा लॉजिंग फूडिंग के साथ मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था है। तो जब बाकायदा मुफ्त फूडिंग लॉजिंग के साथ बच्चे पढ़ेंगे तो अंदर से बहुत खुश होंगे, खुश होने के बाद जो है उनका हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ने के बाद वो IAS ऑफिसर बनेंगे, BBSC कम्प्लीट करेंगे। तो ये एक जो है बहुत बड़ा कदम है। और जो बचपन से बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 9वें में 10वें में है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है और मुस्लिम बालिकाओं की स्कॉलरशिप है, ये सब जो है एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम, इसे मुसलमान समुदाय के लोगों का बहुत उत्थान हो रहा है, वो बहुत पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। अभी उन्होंने निश्चय संवाद के रोज़ जो है उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया
कि ही इज़ गोइंग टू अपॉइंट 16,802 टीचर्स इन उर्दू, 16,832 शिक्षकों की उर्दू शिक्षकों की बहाली करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 16,832 शिक्षक जब बाहर होंगे, एक शिक्षक एक स्कूल में अगर वो 100 बच्चों की पढ़ाता है तो 16,83,200 बच्चे हर साल पढ़ा करेंगे। जो 16,83,200 बच्चे हर साल पढ़ेंगे तो आपके हर साल पढ़ेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई उर्दू लैंग्वेज को कितना फ़र्क हुआ। लोगों ने टिकट टिप्पणी की कि उर्दू को अच्छी विषय बना दिया गया। जब टीचर्स इसको स्कूल में रहेगा, स्कूल में मुस्लिम बच्चे आएंगे तो वो तो उन्हें कहेगा उर्दू की उपयोगिता, और उससे गार्जियन उसे भी सोचेंगे कि जब यहाँ पर टीचर है तो हम यहाँ पर उर्दू में लोगों का एडमिशन जो है ज़रूर कराएँ। उर्दू में जब वो एडमिशन कराएँगे तो उर्दू में जब एडमिशन उन लोगों का होगा तो बच्चे आगे